टाइगर दुनिया का सबसे लोकप्रिय जानवर है। टाइगर को हिंदी में बाघ के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत, शानदार और ताकतवर जीवों में गिना जाता है। बिल्ली प्रजाति का यह जीव भारत, बांग्लादेश, मलेशिया और दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय पशु है। यह भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया में बड़ी संख्या में पाया जाता है। टाइगर उन जीवों में से एक है जो हमेशा चर्चा में बना रहता है। कभी विलुप्त होती प्रजातियां तो कभी घटती संख्या हमेशा खबरों में बनी रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बाघ के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है कि बाघ पृथ्वी पर बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति है। बाघ जंगल में रहने वाला एक मांसाहारी स्तनपायी जानवर है। यह अपनी प्रजाति का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जानवर है। फैक्ट नंबर टू, क्या आपको पता है कि बाघ का लेटिन नाम पैंथरा टाइग्रिस है। पैंथरा एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ शिकारी होता है। टाइग्रिस एक प्राचीन फारसी शब्द है जिसका अर्थ तेज या तीर जैसा होता है। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपको पता है कि बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारतीय वन्य जीव प्राधिकरण द्वारा 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। उससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। फैक्ट नंबर फोर, क्या आपको पता है कि बाघ भारत के अलावा बांग्लादेश, मलेशिया और दक्षिण कोरिया का भी राष्ट्रीय पशु है। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आपको पता है कि भारत में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध है। इसके साथ ही उसके शरीर के किसी भी अंग की बिक्री पर रोक है। फैक्ट नंबर सिक्स, क्या आपको पता है कि बाघ तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान निकोबार और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के अन्य सभी हिस्सों में पाया जाता है। यह भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया और इंडोनेशिया में बड़ी संख्या में पाया जाता है। फैक्ट नंबर सेवन, क्या आपको पता है कि बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। फैक्ट नंबर एट, क्या आपको पता है कि बाघों के समूह को लकीर या धात कहा जाता है। बाघों की रक्षा के लिए भारत में 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया है। तब से बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। फैक्ट नंबर नाइन, क्या आपको पता है कि साइबेरियन टाइगर सबसे बड़ा टाइगर होता है। साइबेरियन बाघ, जिसे अमूर बाघ के रूप में भी जाना जाता है, केवल पूर्वी रूसी अल्पलाइन जंगलों में पाया जाता है, जिसकी एक छोटी सी आबादी उत्तरी चीन में फैली हुई है। फैक्ट नंबर टेन, क्या आपको पता है कि सुमात्रा बाघ सबसे छोटा बाघ है। सुमात्रा बाघ इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पैंथरा टाइग्रिस सोंडाइका की आबादी है। नर सुमात्रा बाघ का वजन 265 पाउंड यानी 120 किलो होता है, जो एक मादा शेर के वजन के बराबर होता है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि बाघ एक मांसाहारी जानवर है। यह केवल मांस खाता है। इसका पसंदीदा भोजन जंगली भैंस, सुअर और हिरण है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि सबसे बड़े मांसाहारी जानवरों में बाघ तीसरे स्थान पर आता है। सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर ध्रुवीय भालू है, जिसके बाद भूरा भालू आता है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि बाघ अपने शरीर के वजन का लगभग 1/5 भाग अपने एक बार के खाने में खा सकता है। एक वयस्क बाघ लगभग 88 पाउंड यानी 40 किलो मांस खा सकता है। एक वयस्क बाघ एक साल में 8000 पाउंड मांस खा सकता है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि जंगल में रहने वाला बाघ 10 वर्ष तक जीवित रह सकता है और चिड़ियाघर में रहने वाला बाघ इससे दुगना जीवित रह सकता है। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि बाघ के पैर बहुत मजबूत होते हैं, इतना कि मरने के बाद भी यह कुछ समय के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। एक बाघ का वजन 363 किलो तक और उसकी लंबाई 13 फीट तक हो सकती है। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि बाघ के दिमाग का वजन 300 ग्राम होता है। मांसाहारी जानवरों में ध्रुवीय भालू का दिमाग सबसे बड़ा होता है। इसके बाद सबसे बड़ा दिमाग बाघ का होता है। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है कि बाघ के कानों के पीछे गोल सफेद रंग के धब्बे होते हैं, इन्हें ओसेली कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये धब्बे बाघ के बच्चों को घने जंगलों में उनकी माता का अनुसरण करने में मदद करते हैं। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है कि बाघ एक रात्रिचर प्राणी है। इसकी रात या अंधेरे में देखने की क्षमता इंसानों से 6 गुना ज्यादा है। बाघ के दौड़ने की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है कि बाघ 18 हर्ट्ज तक की ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसकी तेज दहाड़ 3 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई देती है। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है कि बाघ के शरीर पर बनी धारियों की खासियत यह है कि यह इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह ही अनोखी होती हैं। बाघ के माथे की धारियां एक चाइनीज अक्षर की तरह दिखाई पड़ती हैं, जिसका अर्थ किंग या राजा होता है। फैक्ट नंबर 21, क्या आपको पता है कि बाघ के पिछले पैर उसके अगले पैरों की तुलना में लंबे होते हैं। इससे बाघ को दौड़ने, कूदने और झपटने में मदद मिलती है। इस वजह से बाघ लंबी दूरी तक छलांग लगा सकता है। तो दोस्तों, ये थे बाघ से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। ये रोचक तथ्य आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।